कभी कभी जाने अनजाने आधी अधूरी जानकारी हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफों को लेकर आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसी तरह से मैं दिल्ली जाने के बाद मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे अपने घर में वास्तु के विजिट के लिए बुलवाया। वैसे तो उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वास्तु से रिलेटेड, लेकिन जो मुझे मेन हस्बैंड वाइफ के बीच की प्रॉब्लम नज़र आई वो थे साथ दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर। तस्वीर तो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत थी, सफ़ेद रंग के घोड़े दौड़ रहे हैं और बहुत ही प्यारी सी तस्वीर, लेकिन लगी हुई थी वो उनके बेड के बैक दीवार पे, पीछे की दीवार पे। घोड़ों का कार्य होता है तेज़ी देना, दौड़ रहे अर्थात तेज़ी पैदा कर रहे हैं, स्पीड ला रहे हैं आपकी लाइफ में। और जब हम उसी के नीचे सोते हैं 8 घंटा 10 घंटा 6 घंटा, तो वो हमारे माइंड को ओवर रिएक्ट करना, ज़्यादा तेज़ी देना शुरू कर देते हैं। और यही कारण बना दोनों हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़ों का, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक बढ़ाकर उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, जिसके पीछे मेन रीज़न कुछ भी नहीं था। तो सही जानकारी हासिल करिए अगर आपको अपने घर में घोड़े लगाने ही हैं, और लगाना भी चाहिए क्योंकि घोड़े हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में बहुत तरक्की प्रदान करते हैं, बहुत तेज़ी लेके आते हैं, मतलब व्यवसाय में बहुत बढ़ोतरी लेके आते हैं। आप लगाना ही चाहते हो तो याद रखिए, कभी भी अपने बेडरूम में उसे ना लगाएं, अपने लिविंग रूम में वेस्ट की वॉल पे 7 सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाएं, जो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। और अगर आप घोड़े के स्टैचू लगाना चाहते हैं जो दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, तो वो 2 घोड़े आप जहाँ बैठते हैं लगातार अपने घर में, वेस्ट की दीवार की ओर आपके लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। आप देखिएगा आपका बिजनेस कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरे से वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, हमारे सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ के दिए हुए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अलका विरदी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।